हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो ये है दिवाली के 2 दिन पहले का वीडियो, जिसमें कि मैं सफाई कर रही हूँ। जो स्लाइडर हमारा बना हुआ है इस रूम में, तो इसमें सारे सामान जो है ऐसे बिखरे पड़े थे, क्योंकि उन लोगों ने स्लाइडर तो लगा दिया था, लेकिन जो सामान पहले से उसमें रखे हुए थे ना, वो वैसे के वैसे ही रखे हुए हैं उसमें। तो मुझे वो सब हटा के उसमें शीट्स बिछानी थी। मैंने सोचा कि जो मेरी पुरानी किचन वाली शीट है, वो हो सकता है कि आ जाए थोड़ा थोड़ा सब में, मतलब थोड़ा क्या, लंबाई था वो 10 मीटर का रोल था, तो मुझे लगा हो सकता है आ जाएगा, लेकिन वो नहीं आ पाया था। तो मैंने सोचा था कि चलो उसको बिछा दूँगी और सफाई फटाफट में कर दूँगी। तो सबसे पहले तो ये होता है ना कि इस रूम में इतना सामान बिखरा पड़ा था, क्योंकि जैसे कि पहले आप लोगों ने अगर वीडियो में देखा होगा तो उसमें आप लोग को पता चलेगा कि सारे किचन के सामान इसमें बिखरे पड़े थे। तो किचन के और भी छोटे छोटे सामान थे, जो कि मैंने कार्टन्स में करके रखे हुए थे, वो सारे भी इसी कमरे में नीचे करके रखे हुए थे। जो स्लाइडर आपको सामने दिख रहा है, उसी के नीचे बहुत सारे सामान अभी रखे हुए हैं। तो मैंने शुरुआत की ड्रेसिंग टेबल्स पोछने से। मैंने सोचा कि सबसे पहले इसको पोछती हूँ, क्योंकि फिर योग आता है, गंदे हाथ इस पर रखता है, खेलता वेलता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि उसको साफ़ कर दूँ। शुरुआत तो कहीं ना कहीं से करनी पड़ेगी जहाँ पे, और सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न तो यही होता है कि जहाँ पे इतनी सारी गंदगी भरी पड़ी है ना, वहाँ पे हम सफ़ाई की शुरुआत करें तो करें कहाँ से, क्योंकि इस रूम में सब कुछ ही सफ़ाई मुझे करना था। अलमीरा, वो स्लाइडर में छोटे छोटे रैक्स बने हुए थे, उसको करना था। फिर कपड़े, जैसा कि आप देख रहे हैं, कपड़े मैं हटा रही हूँ अभी। यहाँ से कपड़े धुले थे मैंने, तो वो भी मैंने बस ऐसे ही ला के, जो बॉक्स रखा हुआ है इस कमरे में उस पर मैंने रख दिया था। तो मुझे ये कपड़े हटाने थे, तो मैंने सोचा सबसे पहले कपड़े हटा, ड्रेसिंग पोछ दो, कपड़े हटा लो, वरना जब मैं सफ़ाई करूँगी तो इस पे कपड़ों पे धूल पड़ेगी। तो मैंने ये सब सफाई कर लिया, और थोड़ा करते करते क्या हुआ ना कि थोड़ा अभी टाइम हो गया, उससे मुझे युग को देखना है, फिर खाना बनाना था, मैं खाना वाना बनाने चली गई। फिर खाना बना के आई, और फिर मैंने सोचा कि ये देखिए जो बैग आपको दिख रहा है वो नीचे रखा हुआ था, तो मैंने सोचा कि इसको इसी में अंदर रख देते हैं। और मैं इसकी सफाई करने लगी, और एक होता है ना कि बंद था, जब से बना था ना तब से मैंने इसको खोल के देखा ही नहीं था, क्योंकि मैं और जगह हर दूसरे दूसरे रूम की सफाई कर रही थी, किचन की सफाई कर रही थी, किचन में मुझे शिफ्ट करना था उसके पहले। और कि बस दिवाली की मुझे लगता है कि 4-5 दिन पहले ही तो अभी मतलब किचन का काम कम्प्लीट ही हुआ था, तो धीरे धीरे भी किचन ही सब साफ सफाई चल रही थी। और ये वो शीट है जो कि मैं देख रही हूँ, मतलब जो मैं देख रही हूँ कि आ पाएगा या नहीं आ पाएगा, जो मैंने बिछाया हुआ था किचन में। तो अब मैं इसको यहाँ पे बिछाऊँगी, जो स्लाइडर वाला है। तो क्या हुआ ना, बिछाते बिछाते ये हुआ कि मुझे लगा कि अब तो ये रोल्स जो है ना वो कम पड़े हैं, तो फिर मैं फटाफट मार्केट चली गई। शाम के उस समय 7 या 8 बज रहे थे, और ये देखिए हमारे बलिया का मार्केट। दिवाली की शुरुआत अभी से हो चुकी थी, ये दिवाली के 2 दिन पहले का वीडियो, मतलब जो मैं बना रही हूँ वीडियो है वो। और मुझे ये जो चौकी है ना वो पसंद आ गई थी पूजा के लिए, तो मैंने इसको ले लिया, मुझे दिख गई, मुझे ये चाहिए थी। मैं 2-3 शॉप पे पूछा, मुझे नहीं मिली, तो मुझे फाइनली अचानक से दिख गई शॉप पे, मैंने ये ख़रीद लिया। और मार्केट में आप रौनक देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत सा रौनक है मार्केट में। और फिर मैं शीट लेके आ गई, और ये नेक्स्ट डे का वीडियो है, क्योंकि उससे मैं काफ़ी रात उस दिन हो चुकी थी, आते आते ही मुझे 9 बज चुके थे, फिर आके खाना बनाना, फिर खाना, बहुत थकान हो गई थी, क्योंकि सुबह से मैं उस दिन भी काम में लगी हुई थी। तो ये फिर मैंने अगले दिन मैंने साफ़ सफाई की, और ये सब मैंने लगाया जो मैं शीट लेकर आई हूँ। और मैं युग से मैंने झाड़ू मांगा, तो युग ने मुझे झाड़ू दिया, क्योंकि घर में युग के पापा तो चले गए थे हॉस्पिटल। मैं और युग, तो युग क्या होता है ना कि छोटे छोटे काम में युग हेल्प करा देता है इसको। जो बच्चे जब छोटे होते हैं ना, उनको कुछ भी काम करने में बड़ा मज़ा आता है, बड़े होंगे तो भले कुछ काम नहीं करेंगे, लेकिन जब छोटे होते हैं उनको बहुत मज़ा आता है, कुछ काम उनको आप दे दो कि ये कर दो वो कर दो, तो ऐसे युग भी करता है सारे बच्चों की तरह, कि उसको कुछ हम काम बोलते हैं तो वो कर देता है। और ये मैं शीट जो है वो नाप के बिछा रही हूँ। होता ही है कि कभी कभी हम नाप तो ले लेते हैं, लेकिन चीज़ें कभी कभी छोटी पड़ जाती है, तो ये हुआ ये है कि साइज़ थोड़ी छोटी सी पड़ गई है, तो मैं दूसरे साइड के लिए कट कर रही हूँ, और उसको भी बिछाऊँगी इसको। और ये स्लाइडर जब से बन गया ना फ्रेंड्स, सबसे इतना आराम हो गया ना, मैं सही बता रही हूँ, तो मुझे मेरा रूम खुद अच्छा लग रहा है। और ये भले इसमें पैसे लगे हैं, मतलब ऐसा भी नहीं कि मैं बोलूँगी बहुत ज़्यादा पैसे लग गए हैं, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, और आपका घर सुंदर हो जाता है इस चीज़ से। बन गया है तो मुझे काफ़ी सेटिस्फेक्शन है कि हाँ चलो, मतलब मेरे जो सामान इतने बिखरे पड़े रहते थे, जो भले मैं कितना भी ढंग से रख दूँ वो ऐसे ही गंदे से दिखते थे, और अब जब से ये स्लाइडर लग गया ना, तब से तो चीज़ें अरेंज्ड रह रही है। और जो भी सामान आपका, कपड़े भी आपके मन कर रहा है कि कपड़े रखने हैं तो कपड़े भी रख सकते हैं, ऐसे आप अपने अलमीरा जो भी आपके हर रैक्स बने हुए हैं ऐसे आप लगवा लेते हैं, तो
तो ये बहुत ही सही चीज़ हो गई है मेरे घर में फिलहाल। अभी तो वैसे भी अब ठंडी आ रही है, तो ठंडियों में तो वैसे भी ठंड के कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ऊपर से बच्चों को तो हम तीन तीन चार चार कपड़े पहनाते हैं, वो सारे कपड़े होंगे ही होंगे। तो बस वही ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कि हाँ मतलब चलो ये चीज़ बन गई है, तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना सेफ़ हो गई है मेरे घर में। उसके बाद ये भी जो वीडियो है ये आगे का वीडियो है, आई थिंक शाम का उसी दिन का, कि मैं वो सारे काम जब रूम मैंने सब कुछ ठीक कर लिया था, तो फिर मैं आती हूँ फ्रिज साफ़ करने के लिए। और मैंने सोचा कि फ्रिज के मैंने सारे सामान निकाल दिए थे, उसके बाद मैंने सोचा कि चलो पहले सबसे पहले फ्रिज की डीप क्लीनिंग करते हैं, क्योंकि हुआ ये था कि जब साफ साफ जब काम चल रहा था ना, तो उस समय फ्रिज भी काफ़ी गंदा हुआ पड़ा था, और मैं इसीलिए फ्रिज को उस समय साफ़ नहीं कर रही थी कि फ्रिज डेली ही गंदा हो रहा है। पहले किचन टूट तोड़ा गया, फिर किचन को बनाया गया, ग्रेनाइट टाइल सबकी जो धूल है ना सब जाके फ्रिज के ऊपर पड़ गई थी, और तब से ही फ्रिज ऐसे गंदा पड़ा हुआ था, मैंने सफाई नहीं की थी। मैं अक्सर ऐसे फ्रिज साफ़ करती रहती हूँ, और युग भी क्या होता है ना कि मैं काम करती रहती हूँ, युग भी परेशान होता है, युग को मैंने नहला धुला के रेडी कर दिया है, और युग भी क्या है कि परेशान होता रहता है कि मतलब मम्मा क्या कर रही है, क्यों इतना काम कर रही है। और उसको सोना था तो वो मुझे बोल रहा था बार बार चलने के लिए कि मम्मा चलो उठो, ऐसे बोलता रहता है वो। तो साथ साथ में वो भी छोटी मोटी हेल्प कराता है, जैसे कि देखिए हेल्प करा रहा है मेरी अभी फ्रिज साफ़ करके। और ये हो रही है फ्रिज की अभी डीप क्लीनिंग, और मैं तो क्या करती हूँ जो कॉलिन होता है मैं उसी से साफ़ कर देती हूँ, अच्छे से साफ़ हो जाता है। और क्योंकि मैं अक्सर ही फ्रिज जो है ना थोड़ी सी भी गंदगी होती है तो मैं साफ़ करती रहती हूँ, इसलिए मुझे बहुत प्रॉब्लम नहीं होती है कि मतलब बहुत ज़्यादा फ्रिज गंदा हो गया है, ऐसा कुछ नहीं होता है। थोड़ी भी गंदगी होगी मैं फटाफट उसको साफ़ कर देती हूँ, फ्रिज अक्सर साफ़ ही रहता है। होता ही कि बाहर बाहर बहुत ज़्यादा धूल जमा हो गई थी उस पर, तो मैं इस चीज़ से इसलिए मैंने उसको छोड़ा हुआ था, लेकिन अब मैंने सब कुछ फ्रिज साफ़ कर दिया है। क्या होता है कि जब हम कुछ सफाई करते हो साफ़ हो जाता है ना, काफ़ी अच्छा लगता है वो, कि अरे हाँ अब तो लग रहा है कि सब कुछ एकदम नया नया की तरह बिल्कुल ही हो गया है। और इसे फ्रिज के जितने भी पार्ट्स थे ना अंदर, ये जो ट्रे होता है आई मतलब फ्रिजर के नीचे जो ट्रे होता है, ये सब इसमें अभी भी नए जैसा फोम लगा ही हुआ है, मैंने छोड़ा हुआ है उसको। वो निकालने पे क्या होता है ना कि अजीब सा चिपका हुआ है, तो मैं निकालती नहीं हूँ उसको। और बस ये सब चीज़ें सारी की सारी साफ़ हो गई हैं, अब मैं इसमें सामान रखूँगी। मैंने हुआ ये था कि मैंने इसके लिए फ्रिज के लिए मैट्स मंगाए थे और आया ही नहीं है, तो मैंने ऐसे ही सारा का सारा सामान इसमें रख दिया था। और पता है जैसे ही मैंने रखा वैसे ही हुआ ये कि मैं वही मतलब खड़े होकर सोच रही हूँ कि यार मैट्स तो आए नहीं है, मैंने इसके तो सारे मैट्स धुल दिए थे और ऑर्डर किया था मैंने, और वो आया ही नहीं था। मैंने सोचा कि अब लगता है कि अब दिवाली के बाद ही आएगा, अब नहीं ही आएगा वो मैट जो है जो मैंने ऑर्डर किया है। सारे सामान मैंने ऐसे रख दिए जो इसके पहले के मैट्स थे वो सब मैंने धुलने डाल दिए, और जैसे ही मैंने वो रखा वैसे हुआ ये कि मेरा ये देखिए मैट आ गया। मतलब मैंने सामान सारे रख दिए थे, फिर तब तक पता चला मुझे कि उन लोग का कॉल आया कि मतलब हम डिलीवर कर रही है, तो फ्रिज मैट आ गया। तो मैं खुश हो गई कि चलो भाई पहले आ गया दिवाली के, अब मैं इसको आराम से बिछा लूँगी। अब होता है ना कि हम एक होता है कि हमारी ये चीज़ भी सुंदर हो जाए, अगर हमने मंगाई है तो सुंदर के लिए मंगाई है, तो एक अच्छा लगता है जब सब कुछ नए नए की तरह ही हो जाता है। तो मैंने ये भी मंगाया और ये मंगा के मैंने फ्रिज में फटाफट से लगा लिया, क्योंकि सब चीज़ें जैसे कि मैंने बताया गंदी बिखरी पड़ी हुई थी। तो घर की साफ़ सफाई के साथ क्या होता है कि हम इमोशन भी हमारे जुड़ जाते हैं कि हमें हर चीज़ अच्छी और सुंदर चाहिए होती है, और दिवाली तक तो लगा था काम ख़त्म ही नहीं होगा मेरा। तो फ्रेंड्स अब ये था मेरा वीडियो, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।